बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अलाइड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो वो आप कैसे करेंगे और उसका क्या प्रोसेस होगा। उसके लिए सबसे पहले आप ब्राउज़र के अंदर उनकी वेबसाइट का एड्रेस यूज़ करते हुए उनकी वेबसाइट में इंटर होंगे। जैसा कि आप उनकी वेबसाइट का एड्रेस देख सकते हैं www.alliedinstitute.edu.pk। आप इस एड्रेस को यूज़ करते हुए ब्राउज़र में उनकी वेबसाइट पे इंटर होंगे। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं एक आइकन टाइप बना हुआ आ रहा है ऑनलाइन कोर्सेज के रजिस्ट्रेशन के लिए, यहाँ क्लिक करें। तो फ्रेंड्स आपने सिंपल इस आइकन पर क्लिक करना होगा। आइकन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप एक फॉर्म व्यू कर सकते हैं जिसमें डिफरेंट फील्ड आ रही हैं। ये बेसिकली एडमिशन फॉर्म है। आपने इसमें जितनी भी फील्ड आ रही हैं जैसा कि टाइटल है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, CNIC, इसी तरह फ्रेंड्स डिफरेंट और भी फील्ड्स हैं जो आपने प्रॉपर फिल आउट करनी है। उन फील्ड्स को फिल आउट करने के बाद और इसमें एक चीज़ जो मैंडेटरी है मैं आपको बता दूं, जैसा कि कोर्स अप्लाइड के नाम से आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस तरह इधर 3 डिफरेंट कोर्सेज आ रहे हैं, फार्मेसी टेक्नीशियन है, एग्जीक्यूटिव मैनेजर इन फार्मेसी एडमिनिस्ट्रेशन है, फार्मेसी असिस्टेंट। तो गाइज आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे आपने वो कोर्स सिंपल सिलेक्ट करना है और लास्ट डिग्री की जो फील्ड है आपकी जो लास्ट डिग्री होगी वो आपने इधर फिल आउट करनी है। और सोर्स में कि आपने सोर्स में वो चीज़ आपने सिलेक्ट करनी है कि आपने अगर सपोज मैं कहता हूँ जिस तरह इधर आ रहा है फेसबुक न्यूज़पेपर, आपने जिधर भी हमारा एम्स का एडमिशन एड्स देखा है और जो भी उसका सोर्स था आपने वो सोर्स सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने सिंपल सेंड के बटन पे क्लिक करना होगा। सेंड के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको एक कन्फर्मेशन मैसेज थ्रू SMS रिसीव होगा, एज वेल एज आपको ईमेल के थ्रू भी वो मैसेज रिसीव होगा। तो इस तरह गाइस जैसा कि आज की वीडियो मैंने आपको बताया कि आपने अगर अलाइड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपने क्या क्या स्टेप आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे और उसका क्या प्रोसेस होगा। थैंक यू गाइज़।